छत्तीसगढ़ के बलरामपुर को 31 करोड़ 51 लाख की पुलपुलिया की सौगात मिली है। बलरामपुर के विजयनगर हाई स्कूल के प्रांगण में पुलपुलिया के शिलान्यास को लेकर कार्यक्रम हुआ। यह पुलपुलिया लगभग 31 करोड़ 51 लाख की लागत से बनने वाली है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलपुलिया का शिलान्यास करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार किसानों के हित में कार्य करते हुए जन कल्याणकारी योजना लागू कर रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उन सरकारों ने केवल गुमराह करने का काम किया है। अब छत्तीसगढ़ में बीते 1 साल 10 महीने से किसान के बेटे की सरकार है, जो हर समय किसान हितेशी कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधायकों की जो मांग है उस पर विचार विमर्श करते हुए तत्काल बजट में शामिल करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्षेत्र का विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके। इससे पहले सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह ने बताया कि हमारा विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है, जहां सड़क एवं पुलपुलिया होना ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने क्षेत्र में मिली इस सौगात को लेकर मुख्यमंत्री व गृह मंत्री का धन्यवाद किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हम तत्काल पत्रकारों की हमला होने की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हैं। उन्होंने पत्रकार कमल शुक्ला हमले पर जिक्र करते हुए कहा कि तत्काल हमने पत्रकारों की एक टीम बनाकर भेजा था, जिसकी त्वरित कार्यवाही की गई है। उन्होंने पत्रकार को चौथा स्तंभ करार देते हुए कहा कि पत्रकार पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे करने वालों को सजा दी जाएगी। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग विकास के मामले में कोई अलग से रणनीति की बात नहीं होती। जनता क्या चाहती है, वहाँ की मूल समस्या क्या है, उसके अनुसार हमारे जनप्रतिनिधिगण विधायकगण दौरा करते रहते हैं। उन लोग बताते हैं कि ये काम जरूरी, उसके अनुसार उसको स्वीकृत करते हैं। अलग अलग विभागों का रहता है समस्या, जैसे शिक्षा का है, उच्च शिक्षा का है, PWD का है, इरिगेशन का है, तो उसके अनुसार हम लोग स्वीकृत करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्पष्ट निर्देश है कि छोटा सा छोटा काम और बड़ा दोनों, ऐसा नहीं कि हम बहुत छोटे छोटे ध्यान देते रहें, बड़ा छोड़ दें या बड़ा ध्यान, तो सभी तरफ सर्वहारा वर्ग के लायक योजना बने, सभी वर्ग को उसमें खुशी हो, उनकी समस्या का निदान हो, ये हमारा विशेष रणनीति है, उसी के तहत हम लोग करते हैं। क्षेत्र विधायक ने और भी मांग को रखा है, इसको लेकर आपने अगले प्रस्ताव की बात कही है, किस तरह से आगे बलरामपुर विकास के लिए उसको जोड़ेंगे? विधायक जी ने जो प्रस्ताव रखा, मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया है। जनप्रतिनिधि को इसी प्रकार जागरूक होना चाहिए अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति और उसके निदान के प्रति। जैसा कि आपने देखा होगा, आज काफ़ी कुछ भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम उन्होंने कराया है। इसी प्रकार जो बातें अभी और उन्होंने रखी हैं, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है और विधायक जी सीनियर हैं, जानते हैं, इस्टीमेट बनाकर उसको बजट के लिए भेजेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बजट प्रावधान करेंगे और आने वाले समय में उसको पूरा करेंगे। मंत्री जी, पुलिस के जवानों को आज भी साइकिल भत्ता दिया जाता है, जबकि साइकिल से उनका कोई काम नहीं होता, क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, बहुत सारी चीज़ जो उनके डिमांड्स थे, चुनाव के पहले पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल किया था और जितनी मांग उनकी थी उनके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बना दिया है और कमेटी का जो निर्णय आते जा रहा है, सुझाव आते जा रहा है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। किट वगैरह देते थे उसको समाप्त कर दिए हैं, पैसा दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तन कर दिए हैं। और भी अगर उनकी कोई बात आएगी तो आवश्यक निर्णय उस पर जरूर लेंगे। NH की बात करें तो बलरामपुर और अंबिकापुर पूरी सड़कें खराब हो चुकी हैं। आप कह रहे थे कि इस सड़क को लेकर किस तरह से आगे बढ़ने से कि तत्काल यहाँ के लोगों को सुगम रास्ता मिल सके NH पे चलने के? देखिए, सड़कें दो तीन प्रकार के काम होता है। एक NHAI, वो विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार करती है, एजेंसी भी उनका रहती है, टेंडर भी वो लोग करते हैं। NH रहता है, पैसा और सारी चीज़ केंद्र सरकार का होता है, हमारे अधिकारी उसमें देख रेख करते हैं। तो NH का सड़क जो बनता है, टेंडर होता है, उसमें अगर कोई खराबी आती है तो प्रपोजल बना के हम लोग भेजते हैं केंद्र सरकार को, पैसा आने पर हम लोग उसका काम करते हैं। लेकिन तत्काल में मुझे जहाँ तक याद है कि इस तरफ की जो सड़कें हैं उसके लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है और जो बचा होगा कोई चीज़ विधायक जी बताएंगे तो निश्चित तौर पे उसके लिए भी हम लोग राशि करेंगे। चलिए, तो बात हो गई सड़कों की, अभी चुनाव चल रहा है, मरवाही का भी हमारा छत्तीसगढ़ में, इस तरह से ये देखते हैं क्या जीतेगी कांग्रेस?
देखिए चुनाव में जोर तो सभी लगाते हैं, चुनाव का मतलब ही होता है, चाहे निर्दलीय हो चाहे कुछ। जोर हम लोगों ने भी लगाया है क्योंकि चुनाव चुनाव होता है, सहजता से हम लोग नहीं लेते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मरवाही कांग्रेस का आज़ादी के बाद से एकाध अवसर को छोड़कर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है ये। और अभी विकास काम 300-400 करोड़ का हम लोगों ने किया है, उसका भी असर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला बनाया, उसका भी असर। तो मुझे लगता है, और हमारा प्रत्याशी, और इस एक साल 10 महीने में कांग्रेस के काम, तो मुझे लगता है कि हमारा कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा। पुलिस के जवानों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाएंगे? इनको पुलिस के जवानों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम लोग पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन से जगह जगह हम लोग भवन बनवा रहे हैं, लगातार वो क्रम चल रहा है, बनते जाएगा, उनको आवास उपलब्ध कराते जाएंगे। जैसे कि घोषणा पत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून की बात कही गई थी, लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून अभी तक लागू नहीं हुए। लगातार छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, बलरामपुर जिले में भी पत्रकार पर हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? जहाँ भी कोई ऐसा पत्रकारों पर हमले या किसी भी प्रकार के उनके ऊपर कोई घटना दुर्घटना की बात आई है, तत्काल हम लोगों ने एक्शन लिया है और उसका निर्माण भी हम लोगों ने लगभग पूरी तौर पर पत्रकारों से चर्चा भी करके, जैसे कांकेर की एक बात आई थी तो हम खुद पत्रकारों का दल भेजे थे वहाँ कि आप लोग जाके रिपोर्ट हमको दो कि क्या है, हम कार्रवाई करें। कार्रवाई तत्काल करते हैं, पत्रकार चौथा स्तंभ है, हम उनके लिए पूरी तौर पर जागरूक। सर बलरामपुर में भी हुआ है, सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें नए निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण था, माता कर्मा के चौक का अनावरण जो नगर पालिका और बाकी सामाजिक लोगों ने बनाया, तो बधाई दिया उनको, शुभकामनाएँ दी, अच्छा काम करने की बात कही। सामाजिक समरसता बना के रखें, सब समाज से मिलजुल करके रखें, ये बातें मैंने कही हैं। नशा उन्मूलन का कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने शुरू किया है अपने समाज में, तो उनको भी मैंने बधाई दिया कि बहुत अच्छा काम आप लोगों ने शुरू किया है। देखिए नक्सली मूवमेंट की रणनीति की हम लोग चर्चा बाहर नहीं करते क्योंकि ये हमारा गोपनीय काम होता है और सतत प्रक्रिया है हमारा, रोजाना दिन रात चलते रहता है, हमारे जवान लगे रहते हैं। एक आध बार ऐसे होता है कि थोड़ी बहुत हमारी ज़्यादा कैजुअल्टी एक आध हो जाती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सर्वाधिक नक्सली मारे जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। लोन वराटू हमारा एक स्कीम चला है घर वापसी, उसके तहत भी काफ़ी फायदा मिला है और हमारा फोर्स मजबूती से उनसे मुकाबला कर रहा है। ये बहुत साफ और स्पष्ट बात है, भाजपा की सरकार थी 10 क्विंटल खरीदते थे, हम लोग हड़ताल किए, 15 हुआ, 15 हम खरीद रहे हैं, 25 तो कहा हमने दिया, खरीदा, अभी भी खरीदेंगे। मात्र इतनी सी बात है, सब जानते हैं कि कोरोना में जूट मिल बंद हो गया, कलकत्ता में बोरा बनना ही बंद हो गया। अब आपके ऊपर ही उदाहरण देख कर रहा हूँ, आपके पास अगर 10 क्विंटल है आप घर में रख सकते हैं, किसी के पास 20 क्विंटल है वो घर में रख सकता है, किसी के पास 50 क्विंटल रख सकता है, पर सबको खरीद के 40 लाख क्विंटल को हम एक जगह रख नहीं सकते। खरीदेंगे, बोरदाना आ रहा है, जैसे ही आएगा शुरू करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.